अरुणिता की एक दिलचस्प पिक्चर सामने आ गई है जिसने फैंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल पिक्चर में अरुणिता थककर बैठे बैठे सोने लगती हैं। अरुणिता की ये पिक्चर देखकर पूछा जा रहा है कि क्या अरुणिता थक चुकी हैं, क्या अरुणिता की नींद पूरी नहीं हो रही है, क्या अरुणिता पर काम बहुत ज़्यादा पड़ा है। दरअसल अरुणिता पवन कल पूरे दिन घूमे, पार्क में झूले झूले, रेस्टोरेंट में खाना खाया। उसके बाद अरुणिता इतनी थक जाती हैं कि वो कार की विंडो पर टेक लगाकर वहीं खर्राटे मारकर सोने लगती हैं। पवन ने उनकी ये फ़ोटो क्लिक कर ली। वहीं इनके अलावा रात में पवन अरु की परफॉर्मेंस भी थी जिसके ढेर सारे फोटो और वीडियो सामने आ चुके हैं। इस बार इवेंट में अरुणिता रेड सूट पहनकर आई जो उन पर खूब सूट कर रहा था। अरुणिता पवन दोनों ड्यूट परफॉर्मेंस दी और एक के बाद एक रोमांटिक गाने भी गाए। एक रेस्टोरेंट की वीडियो भी सामने आई है जिसमें अरुणिता पवन के बिल्कुल करीब होकर उनके कंधे पर सिर रख कर बैठी है क्योंकि वो थक चुकी हैं, और तो और इतनी थक चुकी हैं कि उनसे खाने का वेट भी नहीं किया जा रहा और वो टेबल के सहारे पवन के कंधे पर टेक लगा कर बैठने लगती हैं। तो आप इन सब पर अरुणिता को क्या राय देना चाहेंगे, लिख कर बताएं। अरुणिता को अब तो सच में किसी से प्यार हो गया और वो भी पवनदीप से। अरुणिता को व्हाइट कलर इतना पसंद है कि वो यूएसए जब से गई हैं तब से लगातार व्हाइट ही कपड़ों में नजर आ रही हैं। फिर से अरुणिता ने व्हाइट शॉर्ट में फोटो शूट करवाया। कल वॉशिंगटन पहुंचने से पहले इन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। वहां मंच पर जाने से पहले इन्होंने टीम के लोगों के साथ खूब फोटो शूट कराया और इनका फोटो शूट भी पवनदीप ने किया, बल्कि अरुणिता ने जबरदस्ती पवन से उनका फोटो शूट करने को कहा। पवन को कई फोटो में अरुणिता के कंधे पर हाथ रखकर फोटो शूट करवाते देखा गया। मतलब साफ है कि पवन अरु दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हो चुके हैं। ये लोग यूएसए में खूब टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कल इन्होंने होली भी बहुत स्पेशल मनाई। हालांकि होली की पिक्चर सामने नहीं आई, लेकिन होली के दिन इन दोनों ने खूब मौज मस्ती की। इनके अलावा पवन अरु की एयरपोर्ट से भी वीडियो सामने आई है। वॉशिंगटन जाने से पहले इन्होंने एयरपोर्ट पर खूब मौज मस्ती की है। पवनदीप अरुणिता की एक छोटी सी रोमांटिक वीडियो सामने आई है जिसने फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। ये वीडियो लंदन एयरपोर्ट का बताया जा रहा है जब ये मुंबई के लिए लौट रहे थे। उस वक्त इनकी फ्लाइट के लिए काफी वक्त था। ऐसे में शायली ने अपने YouTube चैनल के लिए वीडियो शूट किया, लेकिन शायली ने कुछ ऐसा शूट कर लिया जो अभी तक फैंस को नहीं पता था। पवन का वो रूप लोगों ने देख लिया जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। फैंस खुद पवन का ये रूप देखकर हैरान है। शायली को नहीं पता कि उनकी वीडियो में ये सब कैसे और कब कैद हो गया। शायली की वीडियो में पवन को फ्लाइंग किस करते देखा गया, वो भी अरुणिता को। जी हाँ, पहले तो पवन अरु दोनों अपना लंदन का एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने इवेंट के बारे में बताते हैं और लंदन की खूबसूरत जगह भी शेयर करते हैं। दोनों बताते हैं कि लंदन में इन्होंने खूब टाइम स्पेंड किया, खूब मौज मस्ती की और ढेर सारे इवेंट करने का मौका मिला। लंदन के इवेंट से इनकी फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। ये सब बात करते करते पवन अरुणिता की तरफ फ्लाइंग किस करते दिखे। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर पवन अरु के आसपास मंडराते दिखे, उनकी केयरिंग करते दिखे, वो अरुणिता के साथ पोज देते नजर आए। इसके अलावा फ्लाइट में भी जब अरु भूखी होती है तो पवन उनसे पूछते हैं कि क्या तुम खाना खाओगी। अरु पवन की ये केयरिंग बहुत पसंद की जा रही है। दोनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। इस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। पवनदीप, अरुणिता, सायली और दानिश के ढेर सारे फोटो सामने आ चुके हैं। लंदन को ये भूल नहीं पा रहे, इसलिए वहाँ से आने के बाद भी ये वहाँ के यादगार पलों को शेयर कर रहे हैं। इन्हें वहाँ से आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन काफी दिन बाद अब इन्होंने इंडिया के लिए बैग पैक ही कर लिया है और ये स्टेशन पर उदास चेहरे के साथ दिखाई दिए। हालांकि लंदन को ये उदास चेहरे के साथ तो बाय नहीं करते, इसलिए इन्होंने स्टेशन पर भी इस टूर की लास्ट सेल्फी ली और लंदन टूर के लास्ट दिन के फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। फैंस पल के बिछाए बैठे हैं कि कब ये मुंबई आएंगे और कब फिर से इनके नए नए वीडियो सामने आएंगे। जब से फैंस को पता चला कि आज ये मुंबई आने वाले हैं, तो इनके कुछ चाहने वाले मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और वहाँ इनका स्वागत करेंगे। अब करीब 20-25 दिन बाद ये वापस आ रहे हैं, तो स्वागत तो बनता है। वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन इनके फैंस के लिए ये 20-25 दिन ही साल के बराबर हैं। वो क्या है ना कि पवन अरु के फैंस को इनके लिए बहुत लगाव हो गया है और जब किसी से दिल लग जाता है तो उसको लेकर चिंता बढ़ जाती है।
ऐसा ही कुछ हाल पवन अरू के फैंस का भी है। फिलहाल तो एयरपोर्ट वाले फोटोज में आप देख सकते हैं कि ये बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं, लेकिन इनका पूरा ध्यान फैंस पर ही अटका हुआ है कि मुंबई में क्या फिर से इनका वैसा ही स्वागत होगा, वैसा ही प्यार मिलेगा। पवनदीप अरू बिल्कुल पास पास खड़े हुए हैं, इनकी पूरी टीम भी साथ में है। फोटो में पवन अरू बहुत कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं। सबने इस टूर को खूब एंजॉय किया है। उम्मीद है कि पवन अरू के फैंस को भी इनका ये टूर पसंद आया होगा। पवन अरू के नए प्रोजेक्ट की फोटो सामने आ गई है, मतलब जल्दी इनका एक और धमाकेदार इवेंट होने वाला है जिसको लेकर ये मीटिंग करने गए और वहीं से इन्होंने ये फोटो शेयर किया। फोटो में पवनदीप खुद सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। इस सेल्फी में पवन अरू नीता तो मौजूद है ही, साथ ही साइली और तीन लोग और भी हैं, जिसमें एक महिला भी है, और ये सब इनके नए प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं। लंदन में पवन अरू को लगातार नए प्रोजेक्ट मिले और फिर से नए प्रोजेक्ट को ऑफर किया गया जिसकी फोटोज सामने आ चुकी हैं। फोटोज में अरुणिता का लुक बहुत अलग लग रहा है। अरुणिता का ये वेस्टर्न लुक भी लोगों को पसंद आ रहा। वैसे तो अरुणिता अब तक साड़ी में ही इवेंट पर जा रही थी, वेस्टर्न लुक ने भी अरुणिता के फैंस का दिल जीत लिया। अरुणिता इस फोटो में लूज टॉप के साथ प्लाजो पैंट पहनी हुई है। अरुणिता पर ये कलर खूब सूट कर रहा है। पवन भी येलो जैकेट के साथ पिंक कैप लगाए हुए हैं। फोटो में पवन बहुत क्यूट लग रहे हैं। उनकी इस फोटो पर ढेर सारे कमेंट आ रहे हैं। लोग पूछ भी रहे हैं कि क्या ये नया प्रोजेक्ट का हिस्सा है और नया इवेंट कब आने वाला है। आपको बता दें, इन्हें अभी कुछ दिन और लंदन में रहना होगा। वैसे तो कहा जा रहा था कि इनके लंदन में इवेंट खत्म हो चुके हैं और जल्दी ये इंडिया आने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करीब एक महीना होने जा रहा है इन्हें लंदन में इवेंट करते हुए। नहीं नहीं, जनवरी फरवरी में फिर से इनके लंदन में इवेंट होने वाले हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जनवरी और फरवरी तक लंदन में ही रहने वाले हैं और सारे इवेंट निपटा कर वापस इंडिया लौटेंगे। वैसे आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवन अरुणिता, दानिश और साइली का एक बहुत ही क्यूट वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद यकीनन आप कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे। हम बात अरुणिता की कर रहे हैं, जो फिर से लोगों का एंटरटेनमेंट करती देखी गई। इस बार अरुणिता को पंजाबी स्टेप के साथ डांस करते देखा जा रहा है। जी हाँ, अरुणिता, दानिश और साइली तीनों आजकल शीशा बड़ा छेड़ता गाने पर बिंदास होकर डांस कर रहे हैं। अरुणिता वाकई इस गाने पर डांस करते बहुत क्यूट लग रही है। दानिश ने अपने चैनल के लिए वीडियो शूट किया है। लंदन में ही खुले मैदान में ये तीनों घास पर डांस करते देखे जा रहे हैं।